रुक नहीं रहे हैं मासूमों पर अत्याचार, नाबालिगों से कब रुकेंगे बलात्कार, नाबालिग से रेप के दोषियों के लिए कठोर कानून की मांग, उन्नाव कठुआ के बाद जागी सरकार, नाबालिगों से रेप के लिए कानून में बदलाव, बच्चों के बलात्कारी के लिए सूली तैयार। जी हाँ, बच्चों के बलात्कारियों के लिए अब सूली तैयार होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बच्चों के बलात्कारी को सजाए मौत देने के लिए सरकार बकायदा अध्यादेश के लिए कानून बनाने का फैसला ले सकती है। अध्यादेश में क्या है, अध्यादेश की नौबत आखिर क्यों आई, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त इंदौर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। इंदौर में 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ है। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इंदौर के राजवाड़ा के शिव विलास पैलेस के बेसमेंट से जब बच्ची की लाश मिली तो उसके जो निजी अंग थे वो शत विशत हालत में मिले। सोचिए, सिर्फ 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ इतनी बर्बरता कैसे कोई कर सकता है। और इसीलिए नौबत आई है कि सरकार ये अध्यादेश लेकर आए। इंदौर में 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके निजी अंग शत विशत हालत में मिले, अपराधी को कड़ी सजा देने के लिए अब आज अध्यादेश की तैयारी सरकार कर रही है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। हर दिन ऐसी खबरें आती है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है और यहाँ राजनीति होती है। इंदौर में 8 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, वाकई ये चौंका देने वाली खबर है जो इंदौर से आई है। और ये चौंका देने वाली खबर, कान खड़े कर देने वाली खबर, पूरे समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली खबर। आपको बता दें कि ये इंदौर की घटना है, राजावाड़ ये इलाका है इंदौर का जहां से ये खबर आई है। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ और रेप के बाद इस मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। मासूमों के साथ होती ये दुष्कर्म की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बल्कि एक के बाद एक खबरें सूरत से आई, उसके बाद कठुआ की घटना, यूपी की घटना, उन्नाव की घटना और फिर अब इंदौर का ताज़ा जो खबर है, इंदौर से आती हुई ताज़ा घटना। इंदौर में 8 महीने की बच्ची के साथ ये रेप की घटना हुई है, जिसके बाद वाकई कई सवाल खड़े होते हैं। बच्ची का दूर से रिश्ते में ये मामा लगता है। व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारियां निकाली गई, जब इसकी पूछताछ की गई तो सभी संभावित जगहों से फरार था। पुलिस ने, इसके टीम ने लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद जब इसे पकड़ा तो साथ ही इसके पास कुछ ऐसी चीजें मिली जिसमें घटना में प्रथम दृष्टया ही इसकी सहभागिता होना काफी हद तक स्पष्ट हुई। जैसे कि जो इसके पास जो कपड़े, खून लगे कपड़े, जो साइकिल जो कि वीडियो फुटेज में बार बार दिख रही है, कुछ ऐसे वीडियो फुटेज मिले जो कि और ज़्यादा स्पष्ट थे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आरोपी ने भी पकड़े जाने के बाद घटना कबूल की। इसमें घटना का कारण मुख्य तौर पर बच्ची के माँ से इस रात में विवाद होना एक वजह रही। तो बहुत ही दुखद खबर है ये जो इंदौर से आ रही है, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर और वाकई चौंकाने वाली खबर। 8 महीने की, सोचिए 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ रेप, रेप के बाद उसकी हत्या। इंदौर के राजवाड़ा की ये घटना है। शिव विलास पैलेस के बेसमेंट से बच्ची की लाश मिली है, उसके निजी अंग शत विशत हालत में मिले हैं। और इस घटना के बाद दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता, ने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि इंदौर में 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या हैवानियत की भी हद है। समाज, देश कहां जा रहा है? अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यह मांग दिग्विजय सिंह की तरफ से की गई। और वाकई सवाल आज ये है कि समाज के तौर पर हम कहां जा रहे हैं। ब्रिजेश राजपूत, एबीपी न्यूज संवाददाता, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ब्रिजेश, ये वाकई चौंकाने वाली खबर है और सवाल खड़े कर देने वाली खबर, 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ रही। निश्चित ही ज्योति, बहुत जैसे ही ये खबर इंदौर में से फैली उसके बाद पूरा यहाँ पुलिस प्रशासन तंत्र सक्रिय हुआ और मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस पूरे मामले की जल्दी जांच की गई। और यही वजह है कि शाम को ये घटना सामने आई और उसके बाद देर रात तक अपराधी को पकड़ भी लिया गया। निश्चित ये हैवानियत की हद पार करने देने वाली घटना है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी की जाएगी ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस घटना पर सभी ने हैरानी जताई है। दुख इसी बात का है कि मध्य प्रदेश में लगातार ये जो हैवानियत की खबरें हैं लगातार आ रही हैं, रुक नहीं रही हैं। और पुलिस से अधिक अफसरों का यही कहना है कि ये तो दरअसल एक सामाजिक
बुराई है जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार हर रोज कहीं ना कहीं से ऐसी हवालियत की खबर आ रही है। और यही वजह कि इस घटना के तुरंत बाद पुलिस सक्रिय हुई और बहुत जल्दी अपराधी को पकड़ के पेश कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये हैवानियत की हद पार कर देने वाली घटना है, देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि हम अपने बच्चों तक को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप की ये घटना, इंदौर में जो भी कुछ हुआ है वैसी ही घटनाओं से देश गुस्से में है, देश सहमा हुआ है और हम शर्मसार हैं कि हम ऐसे समाज का हिस्सा है और इन घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो भी इसी समाज से आते हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं हमें सोचने की जरूरत है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव जुड़ गई है और साथ ही दीपिका सिंह राजावत हमारे साथ मौजूद है, कठुआ केस में पीड़ित परिवार की वकील है, और साथ ही अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें अब से कुछ ही देर में मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें अहम फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार बच्चों के यौन अपराधों के कानून पॉक्सो में बदलाव कर सकती है। कानून में बदलाव करके बच्चों के बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किए जाने की संभावना है और कानून में बदलाव को लेकर आज एक अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि अभी पॉक्सो एक्ट में क्या है, कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान पॉक्सो एक्ट में है, लेकिन जब ये अगर ये अध्यादेश आ जाता है जिसका आज ऐलान भी हो सकता है कैबिनेट की बैठक के बाद, तो मौत की सजा का प्रावधान चाइल्ड रेपिस्टों के लिए होगा। ये इस अध्यादेश के आने के बाद पॉक्सो एक्ट में अभी क्या है और अब क्या हो सकता है, क्यों आखिर लाना पड़ा है यह अध्यादेश, उन्नाव में कठुआ में नाबालिग से गैंगरेप के बाद देश में हंगामा मचा। ये केवल उन्नाव और कठुआ की घटना नहीं है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सीरीज में हो रही हैं। सूरत में भी नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। अभी ताजा खबर हमने आपको इंदौर की बताई है जहां पर सिर्फ 8 महीने की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या। उन्नाव और कठुआ की घटना पर देश विदेश में प्रदर्शन हुआ, यही एक बड़ी वजह है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं कानून में बदलाव के लिए। सामाजिक संगठन, फिल्मी हस्तियों ने बच्चियों से रेप की घटना पर चिंता जाहिर की और पूरे देश भर में हंगामा हुआ। नाबालिग बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा की मांग हर तरफ से उठी, विदेश तक से लगातार खबरें आई और आपको बता दें कि लगातार अलग अलग तबके से खबरें आ रही हैं, लगातार ये मांग उठ रही है कि फांसी की सजा चाइल्ड रेपिस्टों को मिलनी चाहिए। स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो भी इसी मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठी हैं। 8 दिनों से स्वाति मालीवाल पानी पीकर इस मांग को लगातार उठा रही हैं, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया है। अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज संवाददाता मौजूद है जहां पर स्वाति मालीवाल अनशन पर बैठी है, अंकित के पास चलते हैं। अंकित, आज अध्यादेश लाने वाली है मोदी सरकार, इस खबर के बाद स्वाति मालीवाल का क्या कहना है? जी फिलहाल अभी हमने स्वाति से बात की है तो स्वाति कमज़ोर हैं लिहाजा वो ज़्यादा कुछ कैमरे पर तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने जो है कल भी जब उनको जानकारी दी गई थी और आज भी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ अध्यादेश लाने से कुछ नहीं होगा। कानून तो आज भी है लेकिन हैवान जो मासूम बच्चियों के साथ में इस तरीके से एक अपराध करते हैं तो उनको सिर्फ जो है कानून का डर नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर मांग हो रही है। जो यहाँ पर मंच बनाया गया है उस पर भी लिखा हुआ है कि बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी की सजा दो, क्योंकि कानून आज भी है। लेकिन हमको याद है कि निर्भया केस जब हुआ था लोग सड़कों पर उतरे थे, देश भर में प्रदर्शन हुए थे, कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन उसके जो बलात्कारी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट तक से जो है सजा हो चुकी है, लेकिन आज भी 6 साल करीबन 5.5 साल बाद भी आज भी वो जेल में ही बंद है। इस वजह से मांग यहां पर ये की जा रही है कि 6 महीने में फांसी की सजा दो, क्योंकि मामला अदालत में जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर अदालत आ जाता है, और इस तरीके से जो अपराधी हैं, जो इस तरीके से घनिष्ठतम अपराध को अंजाम देते हैं, वो जेलों में बंद रहते हैं, उनको सजा मिलती तो है लेकिन फांसी नहीं होती है। लिहाजा सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि कड़ी कार्रवाई हो और फांसी की सजा हो, और इसी वजह से प्रक्रिया में बदलाव की मांग स्वाति मालीवाल कर रही है कि प्रक्रिया में तेजी आनी चाहिए, 6 महीने में फांसी मिलनी चाहिए चाइल्ड रेपिस्टों को। इस वक्त हमारे साथ कविता श्रीवास्तव भी जुड़ गई है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। कविता, आप इस पर क्या कहेंगी, लगातार खबरें आ रही है 8 महीने की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, अभी इंदौर से जो खबर हमने बताई है 8 महीने की बच्ची, आप बताइए 8 महीने की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या, क्या सिर्फ फांसी की सजा सॉल्यूशन है? लगता है आपको ये घटनाएं रुक जाएंगी इस अध्यादेश के बाद?
बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है फांसी की सजा फिर एक शॉर्टकट है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक दोबारा से दोहराया जा रहा है कि फांसी की सजा का ऐलान कर देंगे और एक तरीके से हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। दरअसल क्या होगा जिससे एक डर पैदा होगा दोबारा समाज में कि इस तरह की घिनौनी, इस तरह की जानलेवा हरकत न की जाए। इसके लिए हमें सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस, कैसे न्याय वाकई में सुनिश्चित किया जाए जिससे जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसको मालूम है कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे सजा होगी ही। दरअसल ये जो था सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस ये खत्म हो गया है। और दूसरी चीज स्पीडी जस्टिस, वो भी बहुत जरूरी चीजें हैं। ये दोनों चीजों का दरअसल लेना देना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक तरीके से बिल्कुल आपका खत्म हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, बिल्कुल डेविस्टेट हो चुका है। उस चीज को खड़ा कर रहा है, उसके लिए पुलिस व्यवस्था, इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर से लेकर इन्वेस्टिगेशन से चालान था। अध्यादेश इस बात पे आ रहा है कविता, और दूसरी कविता एक मिनट, क्यों आखिर अध्यादेश सिर्फ इस बात पर आ रहा है कि क्या हम प्रक्रिया में बदलाव करना चाहिए? क्योंकि मैं एक्चुअली कविता में आपसे पूछूंगी, दीपिका सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ रही है जो कि कठुआ रेप केस की वकील है। दीपिका आप क्या कह रही है, आज अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है? क्या सिर्फ अध्यादेश सॉल्यूशन है? जो सवाल मैंने कविता से भी पूछा, आपकी राय इस पर। मेरा ऐसा मानना है कि जो लॉ में चेंज लाना ही सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी सोशल चेंज का होना बहुत जरूरी है। दैट आई स्ट्रांगली बिलीव। अगर आप देखेंगे निर्भया के बाद भी कानून में कितना चेंज आया, बट स्टिल वी आर सीइंग दैट वुमेन आर रेप्ड। तो अगर सिर्फ कानून में चेंज लाने की ज़रूरत होती तो शायद कानून बहुत था और रेप केसेस कभी होते भी नहीं। कानून की भी और दूसरी चीज सोशल चेंज की भी बहुत जरूरत है। तो ये सोशल चेंज लाएगा कौन? क्या उसके लिए हमारी सरकार, राजनीतिक पार्टियां, उनको आगे नहीं आना चाहिए? देखिए बिल्कुल सोशल चेंज के लिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। सोशल चेंज के लिए राजनीतिक पार्टियां, सरकार, जो ऑल द स्टेक होल्डर्स, मैं मानती हूँ ये एक सांझी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब पे, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर कनेक्टेड, इंक्लूडिंग द स्टेक होल्डर्स। ये एक सांझी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे है कि हम अपने समाज को इस ये जो एक ऐसा जो रेप होता है, इन सब चीजों से दूर रखें। हम सब पे एक सांझी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाइल्ड रेपिस्टों को फांसी की सजा देने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। पॉक्सो एक्ट में बदलाव की तैयारी, इस पर अध्यादेश लाया जाएगा। 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की यह अहम बैठक होने जा रही है। 11:30 बजे के आसपास ये बैठक होने जा रही है। आपको बताते हैं कि आखिर इस अध्यादेश में क्या हो सकता है, क्या लाने की तैयारी सरकार कर रही है और पहले पॉक्सो एक्ट के तहत क्या था, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा जुड़ गए हैं। सीधे शिशिर के पास चलते हैं। शिशिर, क्या जानकारी आ रही है कैबिनेट की मीटिंग के बारे में? देखिए, अब से करीबन 1.25 घंटे के बाद जो बैठक शुरू हो रही है और उसमें प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी जिसे हम पॉस्को एक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें बदलाव की बात की जा रही है। और बदलाव के पहले आपको ये समझना चाहिए कि अभी तक जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की है। अब जो नई व्यवस्था की जा रही है उसके तहत ये होगा कि 12 साल से कम उम्र के बच्ची के साथ बलात्कार होने की सूरत में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है। एक बात आपको जो थी यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब निर्भया कांड हुआ था उस समय एक कानून में बदलाव किया गया था और उसमें कहा गया था कि अगर जो बलात्कार से पीड़ित हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या वो एक वेजिटेटिव स्टेज यानी कि कोमा की स्थिति में आ जाती हैं तो वहां पर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। लेकिन पॉस्को एक्ट में इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी, इसकी वजह से ये अध्यादेश लाने की बात है। एक और बात मैं यहाँ पे आपका जिक्र करना चाहूंगा कि 4 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने 12 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची के साथ बलात्कार की सूरत में मृत्यु दंड का प्रावधान का जो विधेयक है वो पारित करा दिया है और अब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। रुक नहीं रहे हैं मासूमों पर अत्याचार, नाबालिगों से कब रुकेंगे बलात्कार? नाबालिग से रेप के दोषियों के लिए कठोर कानून की मांग। उन्नाव, कठुआ के बाद जागी सरकार। नाबालिगों से रेप के लिए कानून में बदलाव, बच्चों के बलात्कारी के लिए सूली तैयार।
और अब से ठीक एक घंटे बाद सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बच्चों के बलात्कारी को सजाए मौत देने के लिए सरकार अध्यादेश के लिए कानून बनाने का फैसला ले सकती है। कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले इंदौर में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इंदौर में 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ और रेप के बाद उस मासूम की हत्या कर दी गई। इंदौर के राजवाड़ा की यह घटना, वहां के शिव विलास पैलेस के बेसमेंट से जब बच्ची की लाश मिली तो उसके जो निजी अंग थे वो शत विशत हालत में मिले। सोचिए, सिर्फ 8 महीने की मासूम बच्ची, उसके साथ इतनी बर्बरता कैसे कोई कर सकता है? किस तरह के समाज में इस वक्त हम हैं? तो रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। नाबालिगों से रेप पर सजा, पॉक्सो एक्ट और अध्यादेश लाने की कोशिश अब सरकार करेगी। रेप में आखिरी फांसी धनंजय चैटर्जी को 2004 में हुई थी, ऐसे कैसे रुकेंगे रेप, ये सवाल जरूर बड़ा खड़ा होता है। कोलकाता की छात्रा की रेप और हत्या करने पर यह फांसी हुई थी धनंजय को, और निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। लगा था कि निर्भया कांड के बाद जो कानून सख्त किया गया है उसके बाद इस तरह की वारदातें रुकेंगी, अभी आज तक फांसी नहीं हुई निर्भया के दोषियों को। 2012 में रेप केस में फांसी की सजा का कानून बना था जब निर्भया कांड सामने आया था, और उसके बाद से अभी नाबालिग के रेपिस्ट को फांसी की मांग हो रही है। सख्त कानून बनाने की मांग हो रही है कि नाबालिग के रेपिस्टों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविता श्रीवास्तव है, दीपिका सिंह राजावत है, कठुआ रेप केस की वकील हैं दीपिका। और दीपिका, आप इस गैंगरेप और हत्याकांड मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील हैं, आपने भी कई सारी कठिनाइयां इस पूरे केस में देखी है। जब आपके सामने जम्मू बार काउंसिल के वकील आ गए, पुलिस जब चार्जशीट दाखिल करने जा रही थी उनको वहां पर रोका गया, कितनी कठिनाइयां हैं इस केस में, कठुआ केस में? ये वो केस है जिस पर पूरे देश की नजर है, विदेश की नजर भी देश पर टिकी है कि आखिर इस केस का क्या होगा। कठिनाइयां तो अभी शुरू हुई नहीं है, कठिनाइयां तो अभी और शुरू होंगी। जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है बहुत थोड़ा है, और जो अभी आगे फेस करना है वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे आई स्ट्रांगली फील, ऑल टुगेदर आई स्ट्रांगली फील दैट कि हम, ये एक बहुत बड़ी जंग है इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। व्हाट आई पर्सनली एम फीलिंग लाइक, मेरे को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह से फॉल्स न्यूज़ जो कैरी की जा रही है, वो सब इनका एक, वो इनकी एक मंशा है कि हम लोगों को हरा दे, इनकी एक मंशा है कि हम लोगों को इस समय दोषित साबित करें, जो कि इनकी, बिकॉज इनके पास जो है वो दे आर नॉट एट स्ट्रांग फुटिंग एंड वी आर एट स्ट्रांग फुटिंग। इनके जो ये रास्ते हैं, हथकंडे जो हैं कि हम लोगों के पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पैसे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या हम लोगों पे एंटी नेशनलिस्ट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स ओनली। अगर ये मुझ पर अटैक कर रहे हैं तो ये उस 8 साल की बच्ची पर अटैक कर रहे हैं जिसका रेप एंड मर्डर हुआ। मेरे पे अटैक करना उस पर अटैक करने के बराबर है, क्योंकि कोर्ट प्रिंट पे आई एम फाइटिंग फॉर हर, आई एम सीकिंग जस्टिस फॉर हर। जी बिल्कुल, न्याय की मांग ये पूरा देश उस कठुआ की बच्ची के लिए कर रहा है। कविता, सवाल ये खड़ा होता है जो हम अभी आंकड़े दिखा रहे थे कि कठोर कानून की जरूरत है, ये वक्त की मांग है, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस कठोर कानून से क्या संदेश वाकई में जाएगा? सबसे पहले मैं ये कह दूं कि कठोर कानून है, जिस तरह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया 2013 में और जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनी है इस वक्त बलात्कार को लेके इस देश में, उन्होंने भी क्लियरली कहा कि इस देश में ऑलरेडी सजाए मौत का कानून है रेयरेस्ट केसेस में। तो जहाँ पे बलात्कार और मर्डर होता है और एक और जोड़ा गया उसमें कोई वेजिटेटिव स्टेट में उसको कर दिया जाए, उस केस में सजाए मौत का प्रावधान ऑलरेडी है। लेकिन हम सबको पता है कि जब से ये आईपीसी आई है 1961, तब से सजाए मौत का प्रावधान है, लेकिन ये कोई डिटरेंट नहीं है, इससे कोई डर नहीं है। तो महज कानून को ला देने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि ये जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था है, ये जो हमारे पुलिस और इन्वेस्टिगेशन और मैजिस्टीरियल और न्याय व्यवस्था है, जब तक
इसमें हम लोग तो आप ये कह रहे हैं कि जब से केस शुरू होता है यानी कि पुलिस जांच से लेकर जो प्रक्रिया आगे चलती है उस सब में बदलाव की जरूरत है। और चलिए एक शुरुआत तो हुई है, एक अध्यादेश आ रहा है, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि इंदौर में एक बच्ची, 8 महीने की बच्ची के साथ रेप और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये मासूम बच्ची सफेद चादर में लिपटी, ये मासूम बच्ची इसके शव को ये देखिए, किसी का भी दिल दहल जाएगा इस तस्वीर को देखकर। कैसे इस बच्ची को ले जाया जा रहा है, इस मासूम बच्ची को, ये सिर्फ 8 महीने की बच्ची। आखिर ये तस्वीरें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर हम समाज के रूप में कहां जा रहे हैं। जो भी शायद इस तस्वीर को देखेगा वो आज सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हम समाज के रूप में आज कहां खड़े हैं, कितने बदलाव की जरूरत है, कितना कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन आज एक शुरुआत हो रही है अध्यादेश के रूप में जो सरकार लाने वाली है। और ये जो तस्वीर अभी आपने इंदौर से देखी है इस मासूम बच्ची की, ये कई सारे सवाल हम सब के सामने खड़े करती है। खैर, इस वक्त सीधे रुख करेंगे अंकित गुप्ता का, जो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो अनशन पर बैठी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं इंदौर जहां पर यह घटना हुई है। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के राजपाट में यह घटना होती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहां है, दमोह में थे। उन्होंने बलात्कारियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए जनमत संग्रह कराया है। जिस तरह की कुछ घटनाएं हुई है वो घटनाएं झकझोर देती है, मन को पीड़ित करती है, लेकिन केवल पीड़ा से काम नहीं चलेगा, माँ बहन और बेटी को सशक्त करना पड़ेगा। कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि हम अंदर से हिल जाते हैं। मासूम बेटियों के साथ दुराचार, 99% मामले ऐसे रिश्तेदार या परिचितों के द्वारा किया जाता है, और कई बार तो आत्मा फट जाती है। सौतेला पिता अपनी बेटी के साथ दुराचार कर ले, और केवल सौतेला पिता तक सीमित नहीं है, ये बहुत कम इक्का दुक्का घटना होती है। लेकिन मैं पढ़ के हैरत में रह गया कि हे भगवान, क्या होगा इस धरती का, एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुराचार किया। तो मां बहन बेटियों को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उन्हीं के राज में इंदौर में एक मासूम बच्ची के साथ रेप हो जाता है। और जनमत संग्रह शिवराज सिंह चौहान दमोह में करा रहे थे कि क्या फांसी की सजा अपराधियों को मिलनी चाहिए, दोषियों को मिलनी चाहिए। इस वक्त सीधे अंकित गुप्ता का रुख करेंगे, जो कि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जहां पर अनशन कर रही हैं उस जगह पर मौजूद हैं, उनके साथ कई सारी महिलाएं हैं। जरा आप अंकित उनसे पूछिए इस अध्यादेश पर महिलाओं की राय क्या है। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या कानून बन जाने से अपराध रुक जाएगा। जब भी ऐसी तस्वीर आती है रुक कांप जाती है, लेकिन होता क्या है, फिर एक और घटना। कई सारी जो महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, अलग अलग उम्र की हैं, इनसे बात करना शुरू करते हैं। ये बताइए, केंद्र सरकार आज सुनने में आ रहा है एक कानून बना सकती है जिसमें मौत की सजा का प्रावधान हो सकता है 12 साल तक की बच्चियों के साथ अगर बलात्कार होता है, की सजा का प्रावधान हो और 6 महीने के अंदर ही हो। केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर ही है जो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सुनवाई हो। ऐसा ना हो कि ठीक है फांसी तो लगेगी, जैसे निर्भया के केस में हुआ कि अभी तक कोई भी फांसी तक नहीं लटका है। कोई फायदा होगा ये जो केंद्र सरकार कानून बना रही है, उससे इस तरीके की घटनाएं रुक सकती हैं? नहीं, इससे नहीं, वो जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कानून बनाओ तो जल्दी बनाओ। आपका क्या मानना है? फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ही फांसी की सजा, और 12 साल की, 12 साल से जो ऊपर की बच्चे हैं वो बच्चियां नहीं है, 20 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, उनका क्या? 80 साल तक की लेडीज के साथ जो हो रहा है वो क्या बलात्कार नहीं है? सब बलात्कार है, और सभी को कानून बनना चाहिए और सभी को सजाए मौत होनी चाहिए 6 महीने। मैम आप भी कुछ कहना? बेटा, हमको यही कहना है कि एक तो ये कानून बनना चाहिए फांसी का, और एक दिन की बच्ची हो चाहे 100 साल की बुढ़िया हो, रेप इज रेप। यानी साफ तौर पर जो यहाँ पर महिलाएं हैं अलग अलग उम्र की, उनका यही कहना है कि कानून ऐसा बने कि जहाँ पर मौत की सजा हो, और सिर्फ सजा ना हो, कहने के लिए सजा ना हो, बल्कि उस पर अमल भी किया जाए, क्योंकि जब तक ऐसे कड़े उदाहरण सामने नहीं आएंगे, इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी, उस पर भी अभी भी सवाल बना हुआ है।
बिल्कुल, महिलाओं को हमने सुना, रेप इज रेप उनकी तरफ से कहा गया कि बलात्कार बलात्कार है, वो किसी भी उम्र की महिला के साथ क्यों ना हुआ हो, जो एज बाउंड है कि बिल्कुल मासूम बच्ची से लेकर 12 साल तक की उम्र की बच्चियों के साथ अगर रेप होता है तो फिर उनके दोषियों को फांसी की सजा होगी। उम्र की बाउंडेशन इसमें नहीं होनी चाहिए, ये महिलाओं की मांग और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करती महिलाएं आपने देखी। चाइल्ड रेपिस्टों को फांसी की सजा देने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार, बकायदा पॉक्सो एक्ट में बदलाव की तैयारी, इसको लेकर अध्यादेश लाया जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं, 2016 के ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक नाबालिगों से रेप के कुल 16,834 केस दर्ज हुए हैं 2016 की। 6 साल से कम उम्र के मासूमों से रेप के रोजाना एक केस सामने आया है और 12 साल से कम उम्र के मासूमों से रेप के रोजाना 4 केस सामने आए हैं और 16 साल से नीचे की नाबालिगों से रेप के रोजाना 17 केस सामने आए हैं और 18 साल से नीचे बच्चों के साथ हर घंटे एक केस सामने आया है, हर घंटे एक केस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े हैं, 2016 के आंकड़े जो वाकई चौंका देने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कविता श्रीवास्तव के पास चलेंगे। कविता, 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ हर घंटे एक मामला सामने आ रहा है। हम कविता से बातचीत करेंगे लेकिन दीपिका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दीपिका, हर घंटे एक केस सामने आ रहा है, ये दिखाता है कि कितने बड़े बदलाव की जरूरत है इस वक्त समाज में। मैं सहमत हूं कविता जी से। अभी थोड़ी देर पहले कविता जी से जो वार्ता हो रही थी, कविता जी ने बोला कि कानून तो ठीक है बट कानून के साथ साथ देश में और भी चेंज लाने की जरूरत है। एक पहले भी मैंने बोला कि सांझी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब पे, हर एक पूरे सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है और जो वो चेंज हो वो विजिबल हो। हर एक इंसान को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो पुलिस है या चाहे वो कोई भी है। मतलब अपने घर के बच्चों की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी और बदलाव घर से ही शुरू होता है, समझाने से शुरू होता है। समाज कैसे बदलेगा जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। और ये जो आंकड़े 2016 के हमने दिखाए, ये कई बातों की तरफ इशारा करते हैं। इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।